सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की पाठ संख्या 10, जो कि था कामचोर। तो हम पढ़ रहे थे भाग एक, जिसमें भाग एक में आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे लड़ झगड़ कर काम करते हैं और उनका एक भी काम पूरा नहीं हो पाता है। सभी शैतानी करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी दरी साफ़ करने को कहते हैं, कभी पेड़ों में पानी डालने को कहते हैं, तो मुर्गियाँ पकड़ने को कहते हैं, लेकिन वो सभी काम कुछ भी सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं इसका भाग दो। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब क्या होता है, बहुत ही हास्य के रूप में लिखा गया है ये पाठ। और इसमें बताया है कि क्या होता है कि एक मुर्गी जो दाल की पतीली में छपाक मारकर भागती है और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसलती है कि सारी कीचड़ किस पे मुंह पे जाके गिरती है, मौसी जी के मुंह पे, जो कि वहाँ पे हाथ मुंह धो रही है। इधर सारी मुर्गियाँ बैने कैल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। जो पशुओं की जो नाल होती है, जिससे पशुओं को बांधा जाता है, उसे हम बैने कैल कहते हैं। तो वो बैने कैल का ऊंट चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। जो जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहते हैं, तो एक भी वो वहाँ पर जाने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब किसी को ये भी काम सूझा कि भेड़े आई हुई है और लगे हाथों भेड़ों को भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देख कर जो सबकी सब झपट्टी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। यानी दिन भर की जो भूखी थी भेड़ें, उनके दाने का जो सूप देख कर इस तरीके से झपट्टा मारा कि वहाँ से इन बच्चों का भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, यानी इधर उधर तेजी से वहाँ पर तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फला गति बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई, मतलब पलंगों को फलांगती, यानी पलंगों को लांगती हुई, एक दूसरे के पलंगों पर पैर रख के छलांग मारती हुई, बर्तन लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अब वहाँ पर क्या आ जाते हैं, शिकारी कुत्तों की तरह जो वहाँ की भेड़े होती है, वहाँ की गंध सूंघती, किसकी, जो वो सूप होता है उसकी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाक के सो रही थी, उन पर से जो भेड़े दौड़ी, न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब क्या होता है, जो हज्जन माँ होती है वह एक पलंग पर अपने मुँह पर दुपट्टा ओढ़कर सो रही होती है। तो फिर क्या होता है, जो भेड़े होती है वो सपने में खोई हुई होती है, कौन, हज्जन माँ, और भेड़े उनके ऊपर से गुजरती है तो दुपट्टे में उलझी हुई सी मारो मारो चीखने लगती है नींद में ही। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ती है, तरकारी यानी कि सब्जी, सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना बांध कर उठ गई, कौन, तरकारी वाली। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तके को कूट रहे हो। सही में, वास्तव में ऐसा ही लगता है कि जब हम भेड़ों के शरीर पर लाठी से मारते हैं तो ऐसा लगता है कि रुई के तके को कूट रहे हो। उनकी जो त्वचा होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है, भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, यानी आप मजाक मजाक में भेड़ को मार रहे हैं, क्योंकि उसे चोट नहीं लगती। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। पेट की कढ़ाई यानी कि जो जितनी भी सब्जियां थी वो सभी अपने पेट के अंदर हजम कर ली, किसने, भेड़ों ने। इधर यह भेड़ों वाली प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए, धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पील पड़े। यानी क्या होता है कि आठ हाथ होते हैं, आठ हाथ का मतलब चार बच्चे हैं, और वे धुली बेधुली यानी कि जैसे तैसे करके भी बाल्टी लेकर आते हैं और आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़ते हैं, यानी कि उस दूध निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस भी सचेत हो जाती है, तो वो क्या करती है, चारों पैर जोड़कर उठती है और बाल्टी को लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है।
तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे और पीछे के पैरों को बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। पिछले जो दो पैर थे वे तो चाचा जी की चारपाई यानी पलंग से बांध दिए गए और आगे वाले दो पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई यानी सचेत हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जो जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, यानी चाचा जी भी अपनी चारपाई पर सो रहे हैं और वो भी शायद सपने में होंगे। तो वो देख रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराती है और पानी छलक कर गिरता है तो समझते हैं कि आंधी तूफान आ गया है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल जाता है कि भेड़ उनके चारपाई से बांधी गई थी और ये सभी जो कारनामा है ये सब भेड़ ने किया है, और वो पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। यानी ये जो मज़ेदार ये बहुत अच्छा किस्सा हो रहा था यहाँ पर और उन बच्चों को सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। ओहो, एक भूली हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब भैंस तो थी ही लेकिन उसके साथ में बछड़ा खोलना भूल गए और उसे भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। खुरों यानी कि पैरों को, भैंस जो थी उसने अपने खुरों को यानी पैरों को ब्रेक लगा दी। जो इतनी तेज़ी से वो दौड़ रही थी और नुकसान कर रही थी, जब उसने देखा कि उसका बच्चा भी खुल चुका है तो उसने तुरंत वो वहीं पर रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूने वाले ग्लास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। फिर कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे ग्लास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया, यानी कुछ ही मिनट के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। यानी पूरा घर अब ऐसा लग रहा था कि आसमान ज़मीन पर आ चुका था। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई यानी मुर्गियों को बाग में भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए, यानी मातम सा यानी उसे पूरी तरीके से बहुत दुख हो रहा था, शोक में आ गई थी एक बार से वो कि उसकी सारी सब्जियाँ उस भैंस ने खा ली थी, तो उसके आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अब वो अम्मा जो है वो अब्बा से कहती है कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या पूरे परिवार आपके पूरे परिवार में बच्चों का राज रहने दो और या फिर मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली माइके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मशाल कर दिया। बटालियन यानी कि जब फौज में जब सजा सुनाई जाती है तो उसी प्रकार से वहाँ पर बटालियन का भी कोर्ट मार्शल किया गया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये चेतावनी कौन देते हैं? उन सभी बच्चों के अब्बा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। तो आखिरकार एंड में अंत में यही निकल के आता है कि जैसे शुरुआत में था जब अम्मा कहती थी कि इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी हिलकर पानी भी नहीं ले सकते, और जब काम करने लगे तो एंड में इतना नुकसान कर दिया पूरे घर का, सभी चीज़ों का, सभी जगहों का, तो इस प्रकार से एंड में जाकर भी ये यही कहते हैं कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। कौन कहते हैं? बच्चे कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों को उपाधि दी है कामचोर। नहीं करे तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन किया तो वो उससे भी गड़बड़ वाला कर दिया, इससे तो ना करे तो ही अच्छा है। इसलिए धन्यवाद।